वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपके लिए बच्चों एमसीक्यूस लेकर आया हूँ। ये जो एमसीक्यूस है ना बच्चों, ये आपका जो लेसन है, आपकी जो बुक है बिहाइव, उसमें जो लेसन नंबर 4 है आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उससे रिलेटेड रहेगा। और आपकी जो दूसरी बुक जो मोमेंट है ना, उसमें अ किंगडम ऑफ फूल्स, उससे रिलेटेड कुछ रहेंगे यहाँ पर एमसीक्यू। ठीक है बच्चों, देखो आपको खुद ही बताने हैं, आपने लेसन पढ़ रखा है, आपको खुद आंसर बताने हैं, फिर आप आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो फटा हु कॉल्ड आइंस्टाइन ब्रदर बोरिंग, बताओ ये किसने कहा था आइंस्टाइन ब्रदर बोरिंग। जी आइंस्टाइन जो है ना एक ऐसा भाई है जो बोरिंग है, उसकी माता ने कहा था, उसके हेडमास्टर ने कहा था, उसके प्लेमेट्स ने कहा था, मतलब उसके दोस्तों ने कहा था जो उसके साथ खेलते हैं, या उसके पिताजी ने कहा था। तो बिल्कुल सही बच्चों, जिन बच्चों ने प्लेमेट्स बोला है उनका एब्सोल्युटली करेक्ट, उनको एक मार्क्स मिलेगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, बताओ जो वो पेटेंट ऑफिस था ना, उसमें एक डेस्क था जिस पर उसने चेयर लगा के आराम से बैठ के कुछ काम करता रहता था। तो आपको बताना है कि वो जो डेस्क ड्रॉअर था ना, उसको आइंस्टाइन ने एक बार क्या बोला था, क्या बोला था बच्चों? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोला था, या ब्यूरो ऑफ साइंस पेपर बोला था, या सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ आइडियाज़ बोला था? तो जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर हमारा जो आंसर है वो है थ्योरेटिकल फिजिक्स, उनका भी एक मार्क्स है। ठीक है, करेक्ट है उनका। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है उसको आइंस्टाइन ने लेटर क्यों लिखा था, बताओ क्यों लिखा था? पहला, टू वार्न अबाउट बॉम्ब्स इफेक्ट, कि जो बॉम्ब है उसके इफेक्ट बताने के लिए। दूसरा, टू बाय बॉम्ब फ्रॉम हिम, कि उससे बॉम्ब खरीदने के लिए। तीसरा, टू सेल हिज फॉर्मूला, और बॉम्ब की जो फॉर्मूला होता है बॉम्ब का, उसको बेचने के लिए। या लास्ट, कि टू ड्रॉप द बॉम्ब ऑन जापान, कि जापान पर जो है बॉम्ब को गिराने के लिए, वार्न करने के लिए बच्चों। ठीक है, कि जो बॉम्ब है ना उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आइंस्टाइन ने ये बताने के लिए ही फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये लेटर लिखा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखो जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी। तो इस पर जो है अमेरिका ने बम फेंक दिए, तो बताओ आइंस्टाइन का इस पर क्या रिएक्शन आया था? तो बच्चों आइंस्टाइन का जो इसका रिएक्शन आया था आपको बताना है, पहला, ही वाज डीपली शेकन, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिल गया, अरे ये क्या हो गया। दूसरा, ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू यूनाइटेड नेशन, की उसने जो है यूनाइटेड नेशन को जो है एक लेटर लिखा। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना। तीसरा, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने बोला कि भाई, अरे पूरे गलत बोल दिया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, मतलब जो हिरोशिमा और जो नागासाकी है ना उस पर जब बम फेंके गए थे अमेरिका ने, तो बताओ आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन हुआ था? पहला, ही वॉज डीपली शेकन, कि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिल गया था। दूसरा, उसने क्या लेटर लिखा था कि यूनाइटेड नेशन को, कि इतना पब्लिक मैसिव हो चुका है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तीसरा, उसने एक प्रपोजल रखा कि भाई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, या ऑल ऑफ अबव। तो ये चारों के चारों, मतलब तीनों के तीनों ही करेक्ट है, तो चौथा आंसर आ जाएगा इसका, एक मार्क्स जिन्होंने सही करा है। नेक्स्ट है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज द वर्ल्ड सिटीजन, आपको बताना है कि जो पूरा का पूरा संसार है ना वर्ल्ड, आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करता है? आपको इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। पहला, फॉर द लेटर ही हैड रिटन, कि जो उसने लेटर लिखा था इसलिए वर्ल्ड इसको याद रखेगा वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। दूसरा, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, मतलब राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तीसरा, फॉर मैरिंग ए फिलीपींस गर्ल, क्योंकि उसने एक फिलीपींस की लड़की से शादी कर ली थी इसलिए उसका वर्ल्ड सिटीजन के रूप में नाम हो गया। या फॉर हिज एफर्ट टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि उसकी कोशिश जो है संसार में शांति की और लोकतंत्र के प्रति थी, क्या इसलिए उसको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में कहा जाता है? तो जिन बच्चों ने 4 टिक किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, आपसे पूछा गया है व्हाई आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन मुनिक, आपको बताना है कि जो आइंस्टाइन है ना उसने जो मुनिक है उसका जो स्कूल है वो क्यों छोड़ दिया, मतलब मुनिक में जो स्कूल में पढ़ता था उसे क्यों छोड़ दिया। पहला, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता था। दूसरा, बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ स्कूल रेजिमेंटेशन, मतलब स्कूल की सख्ती, स्कूल के रूल्स रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा वो थक चुका था। तीसरा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था।
बिकॉज एवरीवन कॉल हिम बोरिंग, क्योंकि सब उसको बोरिंग कहते थे। तो बच्चों इसका आंसर था सेकंड, ठीक है। बहुत से बच्चों को तो इस क्वेश्चन पे हंसी भी आई होगी, ठीक है। आई हो तो हंस लो, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू एल्बर्ट व्हेन हिज पेरेंट्स मूव टू मिलान। आपको बताना है कि क्या हुआ था एल्बर्ट के साथ जब उसके जो पेरेंट्स हैं वो मिलान में चले गए। पहला, ही वॉज लेफ्ट इन अ ऑर्फनेज, उसको अनाथालय में डाल दिया गया। ही वॉज लेफ्ट इन हाउस अलोन, उसे घर में अकेला छोड़ दिया गया। ही वॉज लेफ्ट इन द केयर ऑफ हिज रिलेटिव, उसको जो है वो रिलेटिव की केयर में छोड़ दिया गया। ही फेल सिक एंड वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वो बीमार पड़ गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर था। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, रिलेटिव्स के यहाँ, ठीक है, उसको रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया गया था, ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड आइंस्टाइन्स मदर अपोज हिज मैरिज विद मेलिवा। बताओ, जो मेलिवा से जब उसका विवाह होना चाहता था तो उसकी माता ने विरोध क्यों किया था। पहला, बिकॉज शी वॉज 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन, कि वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। बिकॉज शी वॉज ऑल्सो डेडिकेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च लाइक आइंस्टाइन, क्योंकि वो भी साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई थी। तीसरा, बिकॉज हर मदर सीज हर अ लाइक अ बुक, उसने उसको भी एक किताब की तरह देखा। बिल्कुल सही, तीनों के तीनों इसके आंसर सही थे, तो ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डिड द अमेरिकन डेवलप द एटम बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट फॉर देयर ओन। बताओ, अमेरिका ने सीक्रेट जो प्रोजेक्ट बनाया, अपने आप ये बम बनाया, क्यों बनाया। इन ऑर्डर टू बी द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस एटम बम, क्योंकि वो सबसे पहले बनाना चाहते थे। दूसरा, इन ऑर्डर टू सेल द एटम बम एट हायर प्राइस, उस हायर प्राइस पर जो है बेचना चाहते थे। इन ऑर्डर टू ड्रॉप इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो हिरोशिमा और नागासाकी पर उसको गिरना चाहते थे, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर क्या लगाया आपने, ठीक है, जिन बच्चों ने इसका आंसर जो है नागासाकी वाला बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक है, उन्होंने इस पर बम फेंक दिए थे, इसलिए सीक्रेट रूप से बनाए जा रहे थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, व्हाट वाज द इन्वेंशन ऑफ आइंस्टाइन। बताओ, आइंस्टाइन ने जो इन्वेंशन करी थी वो किसके ऊपर थी, पीस के ऊपर, रिलेटिविटी के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, या रिलेशनशिप के ऊपर। तो रिलेटिविटी के ऊपर थी, ठीक है, इस तरीके से आंसर होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स पर। पहला क्वेश्चन है, वॉज सेम थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड द किंगडम ऑफ फूल्स। बताओ, कौन सी चीज़ उन्होंने अजीब पाई थी। पहला, पीपल दिन में वहाँ पर सोते थे, रात में काम करते थे, हर चीज़ जो है सेम प्राइस पर मिलती थी। वहाँ पर जो है एनी डिसोबीडेंस इज पनिश, अगर हल्का सा भी कुछ गलत हो जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इसका मतलब आंसर ये आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो डिसिपल है ना, उसने बोला कि भाई मैं तो किंगडम ऑफ फूल्स में रहूँगा, क्यों। बताओ, ही वॉज टेम्पर्ड बाय चीप फूड, क्योंकि वो जो सस्ता खाना था उससे अट्रैक्ट हो गया था, वहाँ एक जो लड़की थी ब्यूटीफुल उससे वह आकर्षित हो गया था। ही वॉज टेम्प्टेड बाय कलरफुल क्लॉथ, क्योंकि उसने देखा था कि वहाँ कपड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो उससे वो अफेक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था। टेम्प्टेड मतलब आकर्षण, या वहाँ पे बहुत शानदार घर थे तो वो उससे आकर्षित हो गया था। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने चीप फूड बोला उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल वर ट्राइड टू इन द किंगडम स्कोर्ड। ये कह रहा है आपको बताना कितने लोगों का वहाँ ट्रायल हुआ था, कौन कौन लोग आए थे। देखो, सबसे पहले तो चोर का भाई आया था, ठीक है, चोर के भाई के बाद जो है वो फिर आया जिसका घर था वो, ठीक है, जो व्यापारी था, मर्चेंट था। उसके बाद उसने जो है ब्लेम मैसन पे लगा दिया था, ठीक है, मैसन ने फिर उस डांसिंग गर्ल पे लगा दिया था, फिर डांसिंग गर्ल ने ज्वेलरी वाले को बोल दिया था, फिर ज्वेलरी वाले ने वापस बोल दिया था मर्चेंट को। तो टोटल 5 जने ही थे, तो 5 पीपल पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। बताओ, किंग के अकॉर्डिंग असली दोषी किसको माना गया था, ब्रिकलेयर को, डांसिंग गर्ल को, गोल्डस्मिथ को, या मर्चेंट को। मर्चेंट को माना गया था, ठीक है, क्योंकि लास्ट पर भी मैंने आपको कहानी बताई थी ना, वापस मर्चेंट के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था गोल्ड वाले ने कि भाई मैं सोना जो बना रहा हूँ वो तो मैं व्यापारी का ही बना रहा हूँ, जिसकी दीवार टूटी है, ठीक है, जिसकी दीवार की टूटी से चोर मरा है, इसलिए वापस मर्चेंट के ऊपर ब्लेम आ गया था, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कल्प्रिट है ना, जो कल्प्रिट है, ठीक है, उसको सजा क्यों नहीं मिली, मतलब जो मर्चेंट था उसको सजा क्यों नहीं मिली थी। आपको बताना था, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ही वॉज टू फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा था इसलिए नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा पतला था इसलिए नहीं मिली कि स्टेक के अंदर फंस सके फंदे में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, या बहुत ज़्यादा वो लंबा था, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है थिन था, एक बार इसको कन्फर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड द मर्चेंट डिफेंड हिमसेल्फ, जो मर्चेंट है उसने अपने को कैसे बचाया था। बताओ, उसने मैसन पर ब्लेम लगा दिया था, अपने पिताजी पर लगा दिया था, उसने जो
चोर मर गया था उस पर लगा दिया था, बताओ किस पे लगा था उसे? मिस्त्री पे लगा था, मेसन पर, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया अभी था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डांसिंग गर्ल ब्लेम फॉर? बताओ जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, उसने जो है वो किस पर ब्लेम लगा दिया था? उसने लगा दिया था ज्वेलरी वाले पे, ठीक है। मैं इसका आंसर सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी वाले ने बोला था कि बार बार ज्वेलरी वाला मेरा सामान बना के नहीं देता, बार बार कह रहा थोड़ी देर में आना थोड़ी देर में आना, इस तरीके से मैं डांस ही करती रह गई, ठीक है, इधर से उधर जाती रह गई, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द गुरु एंड द डिसिपल बिकेम द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स? ये कह रहा है कि जो गुरु और जो डिसिपल है ना, वो क्यों बन गए किंगडम ऑफ फूल्स जो था उसके मतलब राजा और मंत्री कैसे बन गए? बिकॉज क्योंकि वो मोटे थे, बड़े थे इसलिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे इसलिए, या बिकॉज क्योंकि वो लालची थे, बेवकूफ़ थे इसलिए? बिल्कुल सही, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे इसलिए। जैसे आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप भी खूब तरक्की करोगे, ठीक है, बेवकूफ़ी बनती दिखाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, गेम में लगे रहोगे, ठीक है, तो और आपका वो लक्ष्य नहीं है और उसमें लगे हुए तो फिर आपकी लाइफ खराब हो जानी है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना लक्ष्य पर ध्यान देंगे और अपना जीवन सफल करेंगे, तरक्की करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, हु वॉज एक्यूज ऑफ मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन बाय डिलेइंग हिज वर्क ऑन द ज्वेलरी? आपको बताना है, बताना किसने लगाया था, किसने एक्यूज लगाया था कि ये जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, उसकी गलती है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये इसका आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, जो ब्रिक लेयर था, जो, ठीक है, मिस्त्री था ना, जो बनार था, मर्चेंट तो व्यापारी था, उसका तो सोना था, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्रिक लेयर जो है कह रहा था कि वो लड़की बार बार आई जा रही थी, जाए जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा काम सारा डिले हो गया, ठीक है। हु वॉज एक्यूज ऑफ मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉकिंग अप एंड डाउन बाय डिलेइंग हिज वर्क ऑन द ज्वेलरी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया? तो उसके बाद जो है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हु इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ठीक है, आपको स्टोरी का मोरल बताना है बच्चों, आपको मोरल बताना है कि स्टोरी का मोरल क्या है किंगडम ऑफ फूल का। हमें जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें पतला रहना चाहिए, हमें चलाक बनना चाहिए, और वन शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है। लालच जो है बुरी बला होती है, जैसे कि वो डिसिपल है, वो फंस गया, ठीक है, लालच में आ गया था, ठीक है, इसलिए वो ट्रैप हो गया था। तो इस तरीके से आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर किया करो, जरूर किया करो, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, मुझसे जुड़ो, मुझे अच्छा लगेगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मिले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाल को काला कर दो, ठीक है, और अपने जीवन को हरा कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।